ये देखिए फाइनली हम आ गए हैं उंझा उमिया माता टेम्पल, और ये देखिए अब चढ़ेंगे सीढ़ियाँ, तो क्या चढ़नी है, थोड़ा बहुत है। और देखिए अभी दो दिन बाद नवरात्रि शुरू होंगे तो डेकोरेशन बढ़िया सा हो रहा है। मंदिर का प्रांगण आ माए आबाजू, तो देखिए मंदिर का डेकोरेशन, और ये है मंदिर का प्रांगण। तो अभी 11 बज रहे हैं, देखिए इधर भी सेल्फी पॉइंट बना रखा है ताकि मंदिर आ सके। पहले तो दर्शन करेंगे, ये मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ये देखिए माता जी के दर्शन कर लिए हैं, बहुत तेज धूप है। मंदिर में तो फोटोग्राफी की मनाही है, हम लोग बाहर आके ले रहे हैं वीडियो। और ये देखिए माता जी की सवारी, ऐसे में देखिए मंदिर उमिया माता जी दिखा रहे हैं आपको। माता जी जय उमिया माँ, सदैव विश्व का कल्याण कर। ये सामने यज्ञशाला बनी है जहाँ हवन वगैरह होता है। अभी नवरात्रि भी तो यहाँ बहुत भीड़ रहेगी, काफ़ी सारी भीड़। तो ये इस तरह से अभी देखिए, ये देखिए अभी हम कर रहे हैं नीचे की जय। अभी देखिए मंदिर में आरती हो रही है, अभी देखते हैं। और ये सेल्फी पॉइंट बने हैं, तो वहाँ आबाजू आई ली, आबाजू सेल्फी पॉइंट की फोटो लेगी है, परिक्रमा करिए एक। चलो तो चलो एक परिक्रमा कर लेते हैं पहले, तो फिर सेल्फी पॉइंट से फोटो खींचते हैं। ये है ये देखिए कलर काम हो रहा है। और अभी ये मंदिर के प्रांगण में हम घूम रहे हैं, ये है मंदिर है। ये देखिए अभी हम लोग इतने सद्भागी हैं कि हम लोग आए हैं और अभी मंदिर में आरती हो रही है, तो अभी थोड़ा आरती में भी जाके, हाँ तो थोड़ी आरती में भी आइए ना। हाँ ना ना बराबर, हाँ तो अच्छा मौका मिला है, नहीं तो अभी 11 बजा है वो तो माता जी कहता है। हैं ये देखिए उमिया माता का जो मंदिर है वहाँ नीचे, इस तरह से हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ नीचे है गणपति भगवान का मंदिर, यहाँ गणपति भगवान के मंदिर में। और ये देखिए गणपति जय गणपति गजानन सबका कल्याण करो। ये देखिए ये जो सेल्फी पॉइंट बनाया है, तो मतलब दो जगह बनाया है, तो इधर से पूरा मतलब मंदिर का फोटो आ जाता है, तो एक अच्छी अरेंजमेंट है। बाकी इधर उधर खड़े रह के पहले सेट होना पड़ता था, ये फर्स्ट टाइम ही सेल्फी पॉइंट बना है। ये देखिए सेल्फी पॉइंट, और ये सामने देखिए मंदिर, इधर से खड़े रह के पूरे मंदिर का बढ़िया सा नज़ारा आ जाता है। और ये है शिव जी का मंदिर, तो यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। जय शंकर भोले।
जय भोले। ये है महालक्ष्मी माँ, सरस्वती। ये मंदिर दर्शन करके अब हम वापिस हो रहे हैं। और ये देखिए 10-15 सीढ़ियाँ हैं, तो उतरते हैं। और ये देखिए अभी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पे माता जी की मूर्ति स्थापित होगी और रात को यहाँ गरबे होंगे। तो ये उसके लिए पंडाल बनाया है। और ये देखिए उमिया माता के मंदिर का ऑल ओवर व्यू। हाँ ये देखिए, ये इधर रोटी मिल रही है, ये है पापड़, ये पूरियाँ आ गई, और ये आसन साक्षी मास बटेका। हाँ बटेका, मुको मुको बटेका मिक्स बटाना, मुकन थोड़ा बटाना बटाना। हाँ ये देखो बटाने की सब्जी। हाँ वीडियो वीडियो हमारा ना पाटो क्या ना सर बाबा। हाँ ना ये देखिए स्टाफ है, बहुत कोऑपरेट कर रहा है। और ये देखिए बढ़िया सी थाली सर्व होके रेडी है, और अभी इसको बैठ के एंजॉय करते हैं, फैन के नीचे आ जाते हैं तो बस बैठ जाते हैं। थाली ले ली है, और ये देखिए चलो बैठो, सब जगह ले लो अपनी अपनी। और ये देखिए बढ़िया सा लंच गर्मा गर्म एंजॉय करते हैं। ये है मेरी बड़ी दीदी, टीचर दीदी ज्योत्सना यादव, और ये है साथ में राम भाई। वह सब पहले अपना बढ़िया सा ये देखिए लंच शुरू करते हैं। ये देखिए खाने के बाद ये मासी छाछ ले रही हैं, तो बढ़िया से छाछ एंजॉय कर। ये देखिए उंझा के उमिया माता जी का भोजनालय, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं, और ये सामने छाछ वितरण हो रहा है। खाना खाने के बाद उधर छाछ होती है, उधर बर्तन रखने जाने का होता है, और इधर हाथ धोने का है। तो बस हम निकल रहे हैं। ये देखिए सोफ़ा कितना बढ़िया लगाया है, और ये देखिए खाना खाने के बाद सब आराम से सोफे पे। ये मेरी बड़ी जीजी है, इनको तो नींद आनी शुरू हो गई है। और इसमें भी ये सोफा बढ़िया देख के सोने का मन हो रहा है। हाँ हाँ, तो इनकी नियत डोल रही है कि थोड़ा ले। और अभी बस माता जी के दर्शन करने में कष्टी तो होती ही है भाई। जय उमिया माँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।